योगी आदित्यनाथ के लिए नाक का सवाल बनी गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की वापसी आखिरकार हो रही है। आज बांदा पुलिस माफिया को यूपी वापस लाने के लिए पंजाब रवाना हो गई है। इसके लिए यूपी पुलिस ने ट्रेंड पुलिस कर्मियों की एक टीम गठित की है। इसके साथ ही बांदा के आसपास के जिले में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मेडिकल वैन और वज्र वाहन के साथ लगभग 10 गाड़ियों में पुलिस टीम पंजाब के रोपड़ के लिए रवाना हुई है। इन वाहनों में पुलिस जवान हथियारों के साथ लैस होकर बैठे हैं। हालांकि इनका रूट चार्ट क्या होगा इसका कोई खुलासा नहीं किया गया है। किसी भी पुलिसकर्मी और पुलिस अधिकारियों को मीडिया से बात करने की परमिशन भी नहीं है। जनवरी 2019 को बाहुबली बांदा जेल से पंजाब पुलिस के हवाले किया गया था, जिसके बाद 2 साल 3 महीने के बाद फिर उसकी बांदा जेल में वापसी है। मुख्तार पर पंजाब में रंगदारी का मामला दर्ज हुआ था। बांदा के आसपास के जिलों जैसे चित्रकूट और हमीरपुर में भी बाहर से आकर रुकने वाले हर व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा अब जो लोग जेल में दाखिल किए जाएंगे उनकी भी पूरी पड़ताल की जाएगी। साथ ही जेल की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जेल के बाहर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही जेल में आने जाने वाले हर शख्स पर निगरानी के लिए अलग से रजिस्टर रखा गया है। आपको बता दें, एडीजी जोन प्रेम प्रकाश मुख्तार को पंजाब से यूपी लाने के लिए टीम गठित की निगरानी करेंगे, जबकि टीम का नेतृत्व आईजी रेंज चित्रकूट के सत्यनारायण करेंगे। गठित की गई टीम में 50 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया है। मुख्तार को यूपी लाने वाली टीम में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त और अत्यधिक असलों से लैस कमांडो का दस्ता भी शामिल है। एडीजी जोन ने देर रात आईजी रेंज चित्रकूट के सत्यनारायण से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तैयारियों की जानकारी ली, जिसके तहत उन्होंने टीम में शामिल पुलिसकर्मियों की सूची और कार्यशैली पर चर्चा की। माफिया मुख्तार अंसारी को सड़क मार्ग के जरिए पंजाब से यूपी लाने की तैयारी है। न्यूज डेस्क।